हाई गाइज मैं हूं अभिषेक निगम एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनंस यूट्यूब चैनल राइट नाउ राइट अवे बट शो बहुत जल्दी बंद हो गया राइट mm. इनफैक्ट right? mm. तुमने एक इमोशनल नोट भी लिखा था राइट mm. right? mm. कहीं ये था कि यार इट्स अ गुड प्रोजेक्ट मैं वापस आ रहा हूँ टेलीविजन पर फॉर वट एवर रीजन्स चर्चे में भी थे आई मीन सिंस द बिगिनिंग आई न्यू कि ये कहानी है जो एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुई है जो बहुत ही अधूरी सी है सो आई न्यू कि ये कहानी ख़त्म होगी और हमारे मन में ऐसा था कि चलने लग गई थी हमारी कहानी और यू you नो know, एक शो के अराउंड कहानी से ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यू नो लाइक चैनल्स कॉल प्रोडक्शन कॉल बजट्स इशूज़ एंड अलऑट ऑफ थिंग्स आर देयर यू नो तो मेरे ख्याल से हमारा ये था कि हमारी कहानी तो कम्प्लीट होगी ही होगी इतना तो मुझे पता था एंड मुझे ये भी पता था कि शायद हमारी कहानी एक महीने में भी हम कम्प्लीट कर दें तो hmm. मेरे लिए वो था कि वो एक महीने से ज़्यादा चल गई मैंने कहा यार अच्छा हो गया फिर एक महीने से और ज़्यादा चल गई मैंने कहा ये भी अच्छा हो गया फिर एक महीने से और ज़्यादा खिंच गई मैंने कहा अच्छा कहानी तो मतलब बस अब ख़त्म ही हो जानी चाहिए इससे ज़्यादा तो कहानी अब है नहीं वहाँ पे जब वो चौथा महीने पे ज़्यादा चली तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी होप आई कि यार मैंने कहा शायद कहानी ख़त्म होने के बाद फिर एक नई कहानी शुरू होने वाली है पर वो फिर नहीं हुई तो मुझे हल्का सा उसका दुख हुआ बट आई ऑलवेज़ न्यू कि मुझे इस कहानी को ख़त्म करने के लिए बुलाया जा रहा है मुझे इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया नहीं जा रहा है तो मेरे मन में आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड कि चलो यू नो आई स्टार्टड आई टुक दिस टू एन एंडिंग पॉइंट आई टुक द टॉर्च अहेड हम एंडिंग पॉइंट पर पहुँच गए एंड यू नो बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो जहाँ तक मेरा कंट्रोल था आई गेव फुल ऑफ माई यू नो कम्प्लीट आई गेव माई सेल्फ कम्प्लीटली टू दैट और मैं बहुत खुश था तो मेरे मन में ऐसा था कि हाँ बढ़ती तो अच्छा लगता नहीं बढ़ी तो बुरा नहीं लग रहा है देखिए ये हमेशा होता है बातें होती है आपका अप्रोच अलग है सिद्धार्थ का अप्रोच अलग है पर्सनैलिटीज़ अलग हो जैसे मैंने वापस तुमसे कहा मेरे भाई ऋषिकेश ऋषि के रेडियो पर इनिशियली हम लोग के बहुत कंपेरिजन्स होते थे हाँ और होता भी था क्योंकि

बुरा कभी नहीं लगा ऑनेस्टली और आई नेवर टू इट दैट वे जो आपने बोला बहुत सही बात बोली कि हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है हमारे बीच में एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं, नहीं है पर हमको लेकर लोगों के अराउंड बहुत रहता है उनको बहुत लगता है कि यू you नो know, दोनों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए दोनों के बीच में कुछ तो होगा ही होगा और जेलसी भी बहुत होती जेलसी भी होनी चाहिए यू नो बट अपेरेंटली वो हमारे में है ही नहीं मतलब वो कोई ऐसा एक भी कॉलम ही नहीं है कि जिसके एक ब्लैंक कॉलम ऑफ कॉम्पिटिशन भी नहीं है कि जहाँ पर हम सोचें भी बिकॉज फॉर मी सिद्धार्थ हैज़ ऑलवेज बिन लाइक माई चाइल्ड एंड वेन आई सी हिम ग्रो आई जस्ट आई गेट हैप्पी लाइक मोर देन माई ग्रोथ आई गेट हैप्पी इन हिज ग्रोथ वैन ही साइंस अ प्रोजेक्ट आई गेट मोर हैप्पी एंड आई फेल्ट इट मतलब एक दिन मैं बैठ के सोच भी रहा था कि जितना खुश मैं शायद हीरो मिलने पे नहीं था उससे ज़्यादा खुशी मुझे सिद्धार्थ को अलादीन मिलने पे हुई थी या मुझे उससे ज़्यादा खुशी उसको धूमधरी मिलने पर हुई थी तो मैंने कहा मुझे उतनी खुशी क्यों नहीं हो रही है जितनी मुझे अपने आप को मिलने पे होनी चाहिए सो यू नो दीज आर सम रियलाइजेशन पॉइंट्स वेयर यू नो यू अंडरस्टैंड कि यू नो आई आई डोंट मैटर मच टू माई सेल्फ वॉट मैटर्स टू मी इज माई ब्रदर सो फॉर मी हिज ग्रोथ इज़ मोर आई मीन इम्पॉर्टेंट तो आई नेवर हैव एवर इन माई लाइफ आई कैन इवन थिंक ऑफ यू नो हैविंग कॉम्पिटिशन विद सिद्धार्थ हैविंग एनी थिंग यू नो बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिफरेंट इन हिज गेम And i have made myself very different in my game so our games are very different. Of course, the, you know, platform is same, but then our journey is going to be different. In fact, किसी का भाई किसी की जान सिद्धार्थ जब भी आता है एक्सप्लोर करता है स्क्रीन में पर Definitely. कुछ लोगों का कहना है यार उसको उस लेवल का ड्यू नहीं मिला उस फिल्म में तुम्हें लगा मुझे ऐसा लगा एक्चुअली मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ uh, मतलब वॉज नॉट वेल यूटिलाइज बट अगेन यू नो देर आ लॉट ऑफ थिंग्स दैर यू के नॉट कंट्रोल ही विल गेट हिज़ फे चांस और जब उसको उसका फे चांस मिलेगा मुझे पूरा भरोसा है मुझे पूरा यकीन है कि वो फोड़ देगा फिर उस फिर बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं सिवाय सिद्धार्थ की तारीफ़ हो के तो जस्ट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट ग्रेट चांस वी आर काइंड ऑफ़ मैनिफेस्टिंग दैट ग्रेट चांस एंड ही इज़ ऑलसो काइंड ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर दैट बस वो एक अच्छा मौका जो है सिद्धार्थ को बड़े पर्दे पर मिलना चाहिए जहाँ पर आई थिंक वो बता देगा कि

इंतज़ार ना करना पड़े हम अपने आप को इतना केपेबल बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम खुद ही इतने केपेबल हो जाएं कि हम खुद ही आ सकें अभी कैसा इंतज़ार बहुत करना पड़ता है <laughs> तुम बताओ तुमने देखा जब भी तुम प्रोजेक्ट बैक करते हो तुम अच्छा करते हो फिर वापस स्क्वायर वन ऑडिशन फिर स्टार्ट फिर ऑडिशन विच इज़ एग्जैक्टली यू से हमारा लाइन ऐसे है बहुत ज़्यादा कि बार बार हमें टेस्ट करता है जो मेंटली बहुत टफ होता है हमारा मेंटल ब्रेकडाउंस हुआ है बहुत ज़्यादा कई बार होता है आई आई से कि नहीं होता है कई बार बहुत मतलब इतनी बार हो चुका है कि अब तो मेंटल ब्लॉक हो जाता है एकदम से यू नो लाइक यू कम आर अ पॉइंट वेयर यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग थिंग जस्ट फील कि अभी तक मैंने जो काम किया है डज इट नॉट इवन मैटर सिंगल पर्सन इन द आई ऑफ द पीपल हु वांट्स टू गिव मी वर्क और दे डोंट इवन थिंक ऑफ मे बिकॉज क्या है कि बहुत सारे लोग हो गए हैं बहुत सारा टैलेंट हो चुका है उसमें दिखते रहना बहुत जरूरी होता है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉकेज ऑफकोर्स आ जाता है कि यार मैंने यू नो एव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम अ TV show, you know, I've done TV show, then I've done film also. I've done one web show for Mini also. I've done for YouTube also. I'm there on Instagram also. And my personal channel also holds 1.4 million followers. Both subscribers. Badai. My, you know, I've got good, you know, uh, like I have everything. But then again, you know, I have to wait at the end. So all of this that I've banned for me, does it matter even one person when it comes to get work? Because What is happening right now is Abhishek, you are again starting from the point where everybody is starting and then again you going. और इतना there. करने के बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ा थो हाँ मूवमेंट उस स्टार्टिंग लाइन से आई मतलब अब कि थोड़े तो ऐसे ऑफर्स आने चाहिए ना और अप्रोच अलग होना चाहिए पर अप्रोच आज भी वही है जो मैं कहूँगा 2015 में था शुरू करते टाइम एंड इट्स नॉट ओनली दैट मी ऑल्सो इट्स देयर फॉर सिद्धार्थो सम्स बट कैसा है कि उस तक शायद लोग पहुँचते भी नहीं कि मतलब शायद उन उसके बारे में एक अलग से पर्सपेक्टिव्स हैं मुझ तक लोग पहुंचते हैं यू नो कई कई बार तो मुझे एक यू you नो know, नया चेहरा भी बोल दिया भी जाता है मैं खुश भी हो जाता हूँ कि चलो ठीक है ये भी अच्छा है उनके हाँ। लिए अगर नया चेहरा है तो अच्छी बात है बट <laughs> ऑफकोर्स uh, वो थोड़ा एक पेनफुल होता है बहुत बार बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ अर जॉब तुम तुम डिप्रेशन में कभी गए थे मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता नॉट अ पर्सन वो लेवर गो टू डिप्रेशन आई मीन आई नॉट आई डॉट नो सेट रॉन्गफुली बट देन आई थिंक इन लाइफ आई हैव सीन दैडेस्ट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बुरा था जो भी हो रहा है वो उतना बुरा नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं उस सोच वाला इंसान हूँ तो मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा सकता और आजकल लोग ना अपनी उदासी को अपने अकेलेपन को ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं डिप्रेशन के साथ में बिकॉज डिप्रेशन इज़ वेरी समथिंग एल्स इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ है मुझसे बट मेरे अंदर क्लियर है कि मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता I'll be. Know, जब बुरा लगता है विद ब्रदर अपनी मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ दो घूसें लगाती हैं पीठ पे सारा डिप्रेशन चला जाता है अपने आप जिंदगी ट्रैक पे आ जाती है यार इट्स ब्यूटीफुल जब आपके पास खुद का एक परिवार हो जो बहुत करीब हो दोस्त भी हो आप लोग वैसे हो जैसे आपकी मदर से मैं बात करती हूँ मुझे लगता हूँ मेरी दोस्त है ना मैं सिद्धार्थ से बात करता हूँ मुझे लगता है ये भी मेरा दोस्त है तुमसे बात करता हूँ मुझे लगता है कि बड़े सब हम उम्र के एक ऐसे नहीं रीफ्रेंडशिप के माँ बड़ा भाई ये सब एक लगते हैं दोस्त

now not but then of course, Vaishnavi is uh, more than all of this, over all of this she has been a very good friend of mine. She is a very close friend of mine and uh, I still look up to her as a friend. ji and apni zindagi mein mere khayal se rishte bahut zaruri hote hain तो कहीं न कहीं uh, Vaishnavi के साथ मेरा वो रिश्ता है जहाँ पर मैं अभी भी जानता हूँ कि मैं you know I can always call her up and I can always tell you know if I'm sad if I'm happy and अब अभ, अभी हमारी ज़्यादा बात नहीं होती because she is very busy but then again you इट्स अट्ठस अ थिंग ना यू नो शी इज़ अज़ अ थिंग इन माई लाइफ वेर आई कैन ऑफकोर्स लुक अप टू हर एंड आई कैन कॉलर विदाउट इवन लाइक थिंक तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही तुमने कहा कि पोटेंशियल था आगे बढ़ने के लिए अब नहीं है क्यों ऐसे आई थिंक दिस इज़ वॉट वी कॉल मेचोरिटी एन अंडरस्टैंडिंग जी वेर यू अंडरस्टैंड मतलब जहाँ पर आप समझते हो आपके अंदर एक मचॉरिटी और है कि यू you नो know, हम दोस्त ज़्यादा बेहतर हैं यू you नो know, हम एक साथ एक दूसरे का एक समर्थक एक सपोर्टक supporter, सपोर्टर्स बहुत अच्छे एक दूसरे के विच आई डोंट वॉन्ट टू यू नो स्पॉयल बाई एनी मीन्स उन चीज़ों में पढ़ के तो आई थिंक यू नो आई स्टिल लुक अप टू यू नो वैष्णवीज फैमिली यू नो हज़ पेरेंट्स आर अमेजिंग हिज फादर इज़ अ पर्सन आई ऑलवेज़ लुक अप टू बी लाइक यू नो मतलब वो जिस तरह के इंसान हैं काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और मतलब उनको उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है तो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी स्वीट एंड सिंपल एंड नहीं मैं, मेरा ही कहना है कि बड़ा भाई हो यार दोस्त अगर कुछ पोटेंशियल है स्पार्क्स है दोस्ती है ई क्यू इमोशनल कोशंट अच्छा है आई क्यू दिमाग भी मिलता है आप शॉर्ट क्यों नहीं दे सकते जिंदगी छोटी है भाई कल नहीं हुआ तो नहीं हुआ बट कोशिश तो करो ना क्या कोशिश किया है नहीं हुआ है और आप लोग ने ये रियलाइज किया है नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि उधर शॉर्ट देने की जरूरत नहीं है आई मीन बिकॉज आप गुरु से सीख सकते हो तो आई थिंक आप उसे उनसे ज़्यादा उनसे रिश्ता नहीं रख सकते एक गुरु जो होता है वो सिखा सकता है तो इसी तरह वो एक दोस्त है तो वो एक बहुत ही अच्छी दोस्त है आई थिंक शी इज़ आप उनके कभी भी दोस्तों से भी मिलेंगे तो यू ऑलवेज हर की वैष्णव इज अ वेरी गुड फ्रेंड तो मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त रहे या ऐसा हुआ है कि एक तरफ से हुआ था और दूसरी तरफ से नहीं हुआ था नहीं कभी का होता है जैसे शायद लड़की को इंटरेस्ट है लड़की बोलती है नहीं लड़की को इंटरेस्ट है लड़का बोलता है नहीं तो नहीं नहीं इंटरेस्ट तो हम दोनों को था मैं आपसे क्या मतलब ऑनेस्टली सबको पता है इंटरेस्ट तो एक दूसरे में था बट आफ्टर द टाइम वी बोथ रियलाइज एट द सेम टाइम बिकॉज यू नो वी मैच अलॉट तो हम समझ गए कि यू नो आई थिंक अगर हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है तो ये इस तरह से नहीं रह सकते हम इस तरह से ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं तो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि हम मैं और वैष्णवी हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहें

so we understood like you know each is a very different life to lead i have a very different life to lead so at least we have that space with us jahan par hum ek dusre ko phone karke musibat mein bula sakte yani aap log ne realize kiya ki agar hum log boyfriend girlfriend rahe hm to nahi chalega nahi ye aap log ne figure kiya ha ha yesha rogani kon hai yesha rogani again as a wikipedia madde mein janta wo bolta kya unko update kar nahi 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 yesha is to yesha to meri bahut achi dost hai i think she is नंबर वन आई हैव ऑलवेज कैप्टेड नंबर वन इन द लिस्ट ऑफ माई विद, शी इज़ अ वेरी वेरी शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन और uh, मतलब बहुत ही कैसे बताऊँ मतलब काफ़ी डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर की लड़की है जो मैंने मैंने उसमें कभी भी एक वो एक्ट्रेस वाली एक न्यूसेंस है ना वो नहीं देखी शी इज़ शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन शी हेज़ अर ओन बिजनेस शी इज़ बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स शी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्स्पेक्टिव टुअर्ड्स लाइफ बहुत कुछ मैं सीखता अभी, भी हमारी बातें भी होती हैं एंड अगेन यू नो शी इज़ वेरी स्पेशल पर्सन तो मेरे लिए वो ऐसा है कि डेट वेट नहीं hmm. है बट शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड आई थिंक शी इज़ द वेरी आई थिंक शी इज़ द द बेस्ट हैव हीरो विद इन माई सोफा करियर इनफैक्ट एक वीडियो में देख रहा था तुमने शायद देखा है कि नहीं कोई पार्टी थी या कुछ हो रहा था जहाँ पे तुम खड़े थे hmm. सिद्धार्थ खड़ा है वैष्णवी तुम्हारे बगल में खड़ी है और यशा आती है और तुम्हें झप्पी देती है और वीडियो दिखाता है कि वैष्णवी जलस हो गई है देखा तुमने <laughs> देखा आई थिंक um, I think, uh, वो वीडियो शायद uh, उसके बर्थडे का था <laughs> अब वो पता नहीं उसके बर्थडे का था वैष्णवी का येशा के बर्थडे का था हाँ, उस टाइम पे हम साथ में हीरो कर रहे थे और आई uh, थिंक <laughs> ने चेहरा बनाया होगा पर वैसा कुछ भी नहीं था अगर ऐसा होता तो उसकी बर्थडे पार्टी नहीं क्यों जाती और like, uh, so मतलब, यू <laughs> भी उसने ध्यान नहीं दिया नहीं होगा। वो वीडियो मैंने अभी तुम्हारे अच्छा, से पहले गुरु मैंने कहा कि वैष्णवी अनकंफर्टेबल हो गई है क्योंकि ये ने हक किया अभिषेक को और वैष्णवी आरोप भी है लिंक दिखाऊंगा भी है कि ऐसे लोग दे रही है कि वो वोजेसिव हो रही है अभिषेक। मैं क्या अगर मेरे मेरी बॉन्डिंग अब दोनों के साथ बन जाती है तो? तो, तो नहीं है। कोई नहीं है। <laughs> मेरी इतनी वैल्यू ही नहीं है अरे छोड़ अच्छा तुम्हारे भाई का हालांकि मैं जानता हूँ कुछ नहीं है जी क्योंकि मैं इतनी बार बात चुका हूँ जब उसके इनिशियली जन्नत जुबैर रूमर्स अवनीत रूमर्स चिंकी मिंकी रूमर्स तो तुम लोग क्या करते हो घर में बैठ के हस्ते। हस्ते। <laughs> जब मैं को जानता नहीं था ना तो मैं सोचता है यार, मैंने कहा, यार हर हफ्ता हर दस दिन पर <laughs> तो बाद में जब मैं उससे मिला और मैंने कहा बेचारा यार सबका बेस्ट फ्रेंड है और लोग <laughs> बड़ी सैड जिंदगी है क्या बट <laughs> ऐसा मतलब हम हमेशा हंसते हैं दूसरे से तो यही बात करते हैं कि भाई या तो हम कुछ करें और लोगों को कुछ दूसरा टॉपिक हाँ जिस पर वो बात कर सकें हाँ नहीं तो इसी पे बातें चलती रहेंगी और इस पर मेरा कंट्रोल भी नहीं है हाँ आप कितनों को जवाब दोगे इन चीज़ों पर जाके तो चल रहा है चलने दो जो सोच रहा है सोचने दो हाँ बट जब ज्यादा लाइन इज क्रॉसडर्स यू हैव टू आंसर फॉर इट बट देन अंटिल द लाइन इज नॉट क्रॉसड एंड द पीपल आर डूइंग इट फॉर द एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट ठीक है करो क्या कर सकते हैं तुम कभी रिलेशनशिप में रहो ऐसा मतलब ऐसा मैं रिलेशनशिप भूलूंगा नहीं पर ऑफ़ कोर्स मतलब वो ऐसा जोन कभी पकड़ नहीं पाया मैं क्यों नहीं करने टाइम नहीं था या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर कनेक्शन ही नहीं हो यू नो आफ्टर द आफ्टर द जर्नीज नाउ दिस इज द पॉइंट आई रियलाइज कि आई नीड मोर टाइम टू यू नो इवॉल्व माई सेल्फ एज अ पर्सन टू बी इन रिलेशनशिप बिकॉज आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड माई सेल्फ ऑलरेडी टू मच टू माई फैमिली एंड तो अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ के लिए मैं अगर रेडी भी हो जाऊँ तो मेरी मम्मी रेडी होनी चाहिए तो आई थिंक वेन दैट राइट टाइम विल कम एंड देन देन आई विल बी ओपनली इन रिलेशनशिप अब तुम नहीं होना चाहते थोड़ा अभी नहीं अभी तो आई थिंक आई हाँ मतलब अगर इफ़ इफ आई हैव माई हंड्रेड परसेंट एनर्जी इन मी आई वुड वॉन्ट टू गिव सेवेंटी परसेंट ऑफ इट टू माई सेल्फ एंड देन द रेस्ट थर्टी परसेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गिव इट टू माई फैमिली माई मॉम माई ब्रदर उसके बाद कुछ बचा नहीं फिर जो एक्स्ट्रा होता है वो टॉक्सिक ही होता है लास्ट सेगमेंट सिट के रेडी नहीं बहुत सिंपल <laughs> <फिर्पल> है रे। <laughs> जन्नत या अवनीत किससे क्लोजर हो तुम आई मीन इसका ऐसा मैं कोई ग्राफ नहीं आई I मीन mean, जितना मैं दोनों से बराबर ही क्लोजर हूं मेरी ज्यादा मतलब इनसे कभी भी आई एम नॉट इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन विदो

अवनीत के साथ बेस्ट लगती है बट सम हाउ ही मैनेज लुक गुड विद एवरी वन बट मेरी पर्सनल मैं कहूँगा अगर इफ कीप इट यू नो फर्स्ट अवनीत एंड सिद्धार्थ लुक्स द बेस्ट टुगेदर, बिकॉज उनकी एक अलग ही केमिस्ट्री निकल के आती है विच वी ऑल हैव विटनेस्ड एंड फिर फिर यू नो दाइन गोज ऑल मम्मी का फेवरेट कौन बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा उसको पर क्या कर सकते हैं सॉरी सिद्धार्थ मतलब मैं ही हूँ अकबर या अली बाबा फेवरेट अकबर बिकॉज दैट वॉज द पॉइंट फ्रॉम स्टार्ट माइथो रोमांटिक रोल एक्शन करना चाहता हूं क्लोजेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में कौन है क्लोजेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में मैं कहूंगा मेरा इंडस्ट्री में कहूंगा तो ही इज बिलीव सुमेद मुदगल कर हाँ तो कह सकते हैं मतलब वी आर ब्रदर्स एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और मतलब हम दोनों मतलब वो भी पुणे से हैं तो मैं तब पुणे में था मैं वहाँ से लॉ पढ़ रहा था तब तभी हमारी बॉन्डिंग हुई थी एंड मजा आया मतलब आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेन्यन फ्रेंड फ्राम इंडस्ट्रीट आई हैव आई थिंक oh no, वो वो लड़का है जो तीन बजे भी फोन करो रात को खड़े हो जाएगा उसे तीन बजे ही फोन करो रात को तो ही खड़ा होगा सुबह तीन बजे मत करो